लगता ये कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पर नीतीश कुमार बोलते आए हैं, अब क्या करेंगे वो? तेजस्वी को कहना पड़ेगा उनको कि भाई आप चार सीट दाखिल हो गया है, अब कुर्सी छोड़िए। देख कहा जाए तो इस पर ना बीजेपी कुछ कह सकती है ना नीतीश कुमार का। अभी तक तो एनसीपी के जो लोग थे भ्रष्टाचारी थे, ईडी का छापा पड़ रहा है। कह रहे थे कि जंगल राज में नहीं जाएंगे, जंगल राज में घुस गए। नीतीश जी का नीति देखिए, कह रहे थे कि हम सुशासन बाबू हैं, वही लालू जी के बेटा के साथ भ्रष्टाचारी के साथ जंगल राज में घुस गए लालू जी। देखिए वही लालू पर वही नीतीश जी हैं, सुशासन बाबू वही हैं, वही बोले थे कि भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, मगर भ्रष्टाचार में घुस गए वही बीजेपी। नीतीश जी आप बना रहे हैं, ऐसा है ये आप कहेंगे तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। नेताजी ना पढ़ा लिखल नहीं, आप फालतू बात मत कीजिए। ये आदमी ही वोट देता है तो आप नेता बनते हैं? अरे पढ़ा लिखा से क्या मतलब है? आपकी सरकार अच्छी होती तो पढ़ा लिखा तो नहीं, ऐसी बात मत कही। इस आदमी को अपमानित मत कीजिए भाई। ये देखिए कोई भी हो, बिहार की जनता है ये आपको सरकार बना के देती है, ये जनता नहीं है। ये गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन की सरकार। अभिषेक भाई ये जनता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए भाई। ये जब मैं कहता हूँ चलिए ठीक है बीजेपी का ये लगा लिए हैं, ऐसे जेडीयू का भी लगाए, गलत बात है, इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। देखिए सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अपमानजनक शब्द तो नहीं ही होने चाहिए। हम लोग कोई भी इस बात की वकालत नहीं करता, हम सब लोग उसके उसके अगेंस्ट रहते हैं। लेकिन जहां विनीत बाबू अच्छे सुन लीजिए, अभी आ रहे हैं जवाब लेंगे आपसे, शेरो शायरी बेचारे वहां चले जाओ। हाँ जल्दी से हम धीरे। देखिए नीतीश कुमार जो है बिहार के 13.5 करोड़ जनता के सामने बोले थे कि हम सुशासन बाबू हैं, हम भ्रष्टाचारी से समझौता नहीं करेंगे, मर भ्रष्टाचारी के साथ चले गए। लालू जी 2000 करोड़ खा गए जानवर का पैसा। अब जाओ पीछे मत आओ। नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू का तमगा बिहार की जनता ने दिया, और ये भाजपा के समर्थक जो आरोप लगा रहे हैं, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी अजीत पवार के बारे में एनसीपी के बारे में क्या बोल रहे थे, आज गलबहिया कर ली। तो बोलते ही हैं कि भ्रष्टाचारियों को कार्रवाई की गारंटी है, वो तो बोलते ही हैं भ्रष्टाचार अगर है। भ्रष्टाचारी को कार्रवाई किए कि अपने साथ गलबहिया किए, अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मिश्रा। इसका जवाब दीजिए भाई, इसका जवाब एक सेकंड इसका जवाब तो जनता आ रहे हैं भाई, आप ही के सवाल का जवाब इनसे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।